एलिजा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफी तौर पर बड़ा मुल्क, फिर और तो और आपने देखा कि मोदी जैसा भी जो यानी ये भी तो देखिए अलमिया के दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया मोदी जैसे फर्द को, शख्स को अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, ये उनकी जमहूरिया है, और उसको भी देखिए वो सऊदी अरब, यूएई वो भी कबूल करते हैं। आप इसको कितनी अहमियत देखते हैं? एक ऐसे अफगानिस्तान अपनी जगह का इशू तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे ईरान से वो रिलेशन नहीं रहे, उसका एक सबब सऊदी अरब भी है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्विक अगर पहला रिस्पांस मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह देखते हैं, माशाल्लाह आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है पूरी सिफारतकारी पर, ख़ासतौर पर इस खत्ते पर, हिलाली साहब। मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के कि इतने सारे बातें हुई हैं, जब सबको पता है कि हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पे चार बहार। दूसरी बात ये है कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जंग के सूरत में वो दोनों करेंगे, ये तो उनके रिटन अग्रीमेंट्स हैं, ये तो उनके ये हैं। तो ये किसके साथ जंग होगा? जाहिर है हिंदुस्तान का तो जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगा ना, चीन के साथ जंग तो होगा तो चार बहार की ज़रूरत नहीं होगी उनको। तो मैं हैरान हूँ कि ये, हालांकि ये सब ये अग्रीमेंट्स हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम ख़ास तौर हमारी दोस्ती बढ़ेगी ये वो। दूसरी बात जो मैं पूछ कहना चाहता हूँ, वो रूट्स, वो रोड्स और वो पाथवेज जो इस्तेमाल होते हैं वो ईरान से शुरू होते हैं और आते हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो अगर हम वो नहीं वो रोक सकते हैं, जाहिर है इसमें ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं जो इंसानों को ले जाते हैं यूरोप के लिए, हमारा एक जमाने में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और मैं खुश हूँ। लेकिन हिलाली साहब, फिर भी एलिजा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफी तौर पर बड़ा मुल्क, फिर और तो और आपने देखा कि मोदी जैसा भी जो यानी ये भी तो देखिए अलमिया के दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया मोदी जैसे फर्द को, शख्स को अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, ये उनकी जमहूरिया है, और उसको भी देखिए वो सऊदी अरब, यूएई वो भी कबूल करते हैं, तो उनके जो हिंदुस्तान से कंपेयर करने के बजाय हम ये भी तो देखें ना जो हमारी कमजोरियां खामियां रहीं और ख़ुद हमारी लीडरशिप की। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ईरान या सारी दुनिया नहीं सुन रही कि खुद हमारी एक बड़ी पार्टी का जो तीन बार प्राइम मिनिस्टर रह रहा है वो अपने मुल्क के, अपने रियासत के बारे में क्या कह रहा है। तो हम जो है जो सॉरी टू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ईरान को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना हिलाली साहब, हमारी पॉलिटिकल क़यादत का, हमारी हुकूमतों की जो है वो खारजा पॉलिसी की कमजोरियों और खामियों का, जो हम इसको ट्रेड नहीं कर सके, दिफा नहीं कर सके। हिलाली साहब देखिए, बात हम कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान का, हम बात कर रहे हैं आपका जो साहफ़ जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट है वो अभी बता रहा था कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये दोस्ती जो आजकल बात हो रही है, इस दोस्ती को पक्का करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होने पड़ेंगे जो इस वक्त नहीं है। और मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान के साथ इनके किस किस्म के ताल्लुकात हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ईरान और इंडिया में, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, और अगर ईरान हमारा दोस्त बनना चाहता है तो जब जंग छिड़े पाकिस्तान और इंडिया में, हम नहीं चाहते कि एक उनका बंदरगाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जो उन्होंने लिख के दिया है हिंदुस्तान को। अगर आप समझते हैं वो इरेलेवेंट है तो बस आप समझते हैं, मैं नहीं समझता। नहीं तो इंडिया है तो सॉरी टू से, फिर सऊदी अरब और यूएई जो आपके करीबी मुल्क हैं उनके भी तो इंडिया से इतने ही करीबी ताल्लुकात हैं तिजारती, और उन्होंने किस तरह वेलकम किया उनको, तो खाली हम उसको ही क्यों कहें। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के और सऊदी के वो बहुत बहुत गहरे हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पे वो ताल्लुकात रहे नहीं,
इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त के तरह तो नहीं बिहेव कर रहा है ना, वो तो हमारा एक एडवर्सरी के तरह बिहेव कर रहा है। पैसे देता है, फौरन वापस मांगता है, हमें हमारी दुश्वारी है, हम कहते हैं रोल ओवर करो, वो कहता है नहीं, और वही पैसे जो हमें कहता है वापस करो, वही पैसे सबके सामने बताने के लिए हमारे लोगों को कि देखो मैं बदला ले रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं इलाइजा बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि उसका सबब ये भी तो था कि हमारे जो पास के हुक्मरान थे उन्होंने मुहिम जुई की, उन्होंने कुछ लश्करों और सिपाहों को इस तरह भेजा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी बड़े, सबको पता है कि किस तरीके से जो साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे वो उसामा और रमजी और फलां और ये और इन लोगों ने खुलेआम सबको, और अभी भी वही मैं किसके नाम लूँ, अफगान, तो हमने भी तो ऐसे इकदाम किए जिससे ईरान को अनाइट होना था, उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने वो पास्ट को जहन में नहीं रखा। ये मैं बहुत तफसीली मौजू है और हसास माफ़ करिए हाँ बिल्कुल 1994-95 में तो पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहे थे जंग में, और वो लड़ रहे थे तालिबान के खिलाफ, बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि उनके, मैं कहता हूँ उनके जो जवान थे वो अहमद शाह मसूद के खिलाफ साथ लड़ रहे थे तालिबान के खिलाफ, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो नहीं डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना हिलाली साहब, कि ईरान बिल्कुल आइसोलेशन का जब शिकार हुआ तो बहरहाल हमने उनसे दोस्ती का नाता तो नहीं तोड़ा ना, डिस्पाइट इसके कि हम सऊदी अरब से बहुत करीब थे, ईरान अपनी पॉलिसियों के सबब भी तो एक आइसोलेशन का शिकार एक अरसे से रहा, उनके यहाँ भी तो एक बहुत गालिब जो उनकी लीडरशिप थी वो अपने मसलक के एतबार से अपनी फॉरन पॉलिसी को चलाती रही, उनमें भी खामियां थी, अब उन्होंने अपने को दुरुस्त किया ना, और जिस सबब उन पर दिफाई पाबंदियां लगी, हमने उस मुश्किल वक्त में ईरान को नहीं छोड़ा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, तो हमने नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने नहीं छोड़ा उनको, और हम देखेंगे कि अब देख रहे हैं ये कह रहे हैं दोस्ती चाहते हैं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको कि दोस्ती के लिए ये सब चीजें जो मैंने जिक्र किया था, आजकल रात को वो 6 फुट का जो गैप है, डिच है, उस पे लोहे के पाइल्स डाल के उनकी गाड़ियां जो स्मगल कर रही हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपने गुलबद्दीन यादव को, आपको पता है कि वो ईरान से आया था और पता नहीं कितने यादव उधर हैं, तो देखिए हम भी दोस्ती चाहते हैं, हम एक जमाने में हमें पता था कितनी जबरदस्त दोस्ती थी, और मैं नहीं कहता हूं कि हर वक्त ईरान का ही कसूर है, हमने भी कुछ ऐसे दफे कुछ ऐसे चीजें किए हैं जो उनको भी बड़े रिजर्वेशंस थे और जायज थे उनके रिजर्वेशंस, मगर अगर अब अगर दोस्ती वाकई चाहते हैं तो ये सब चीजें जो आज कल आज हो रहे हैं ये रोकें, BLA टेररिज्म को उनके सॉइल पे ट्रेनिंग से रोकें, हमारे इकोनॉमी में स्मगलिंग एक बहुत बड़ा ये है, स्मगलिंग तो नहीं रोक सकती हिलाली साहब, कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता, मैं ये पूरा ये वाला बॉर्डर हो, मंद का बॉर्डर हो, इंडिया वाला बॉर्डर हो, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर हो, हम तो ओपन बॉर्डर है ना, फिर आपका पोर्ट अलग खुला है, फिर केटी बंदर है, हम इसे ज्यादा जानते हैं, हमारा इतना ओपन बॉर्डर है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क सारी फौज भी लगा दे तब भी स्मगलिंग नहीं रोक सकता, और जब गरीब मुल्क हो, जब आप लोगों को दे नहीं सके तो फिर स्मगलिंग होगी।